और फैसल को अल्लाह आज ताला जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत ही आमीन मजहबी किस्म का बंदा था। कभी मैंने उसको जिंदगी में कभी कोई नमाज नहीं छोड़ छोड़ते देखा। ही वाज सच है ऑनेस्ट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट पर्सन था। टू टू बी फाइन। प्लीज कंटिन्यू द रेस्ट। चलो ठीक, थैंक यू, शुक्रिया जनाब। और कोई नसरीन, आप बोलना चाह रही हैं? हाँ जी मुबशर, ऐसा है कि फैसल से थ्रू आउट जब हमारा सेशन चल रहा था 5 इयर्स का, उसमें तो हमारा इतना कोई कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि वो ना हमारा बैच फेलो था, क्लास फेलो जरूर था, वी नो कि वो हमारा क्लास फेलो है, लेकिन इस तरह कभी कोई उनसे कांटेक्ट नहीं रहा। और उसके बाद भी 25 साल गुजर गए, और बहुत देर के बाद हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद जो ग्रुप बना, और हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानने लगे, लेकिन फैसल को हम तब भी नहीं जानते थे। बट मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस उस फैसल के साथ रहा है, और कहते हैं कि मरने वाले की अच्छाइयों को याद करने से उसके दर्जात में इजाफा होता है। तो मैं जरूर बयान करूंगी कि 2 साल पहले मेरे फादर की लेग फ्रैक्चर हो गई, तो आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दैट। तो मैंने अपने ही ग्रुप पे पोस्ट लगाई कि कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हमारे क्लास में हो, और मुबशर वेरी नेक्स्ट मिनट में फैसल की मुझे कॉल आ गई, अगले मिनट में, हालांकि मैं उसे जानती नहीं थी। हाँ, नहीं, अल्लाह उनके जन्नत में जगह दे और दर्जात बुलंद। आमीन। मैं प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स हूँ, और मुझे बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल बनता, मैं तो आई वाज रियली एस्टोनिश्ड कि 1 मिनट के बाद उसने कॉल किया। खुद आके देखा, लेकिन कोई खास इंस्ट्रूमेंट उनके लिए चाहिए था जो उसके पास नहीं था। फिर उसने मुझे पूरा गाइड किया कि इसका क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है, और थ्रू आउट फॉलो किया। जब तक मेरे फादर ठीक नहीं हो गए, थ्रू आउट फॉलो किया। आई वॉज रियली वेरी मच ऑब्लाइज्ड। वो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था। हमारे ऑर्थोपेड डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, हर बंदा उन्हें जानता था, और हर बंदा उनकी तारीफ करता था। अभी पिछले दिनों हमारे ऑर्थोपेड के जो सर्जन थे, वो स्पेशली मेरे पास आए थे कॉन्डोलेंस के लिए, और वो बता रहे थे कि 7 मार्च को हमने कोई मोर्टैलिटी मीटिंग रखी हुई थी सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से शायद, उसमें फैसल को बुलाया था, और 7 मार्च को फैसल खुद आया वहां पे, बावजूद इतनी इल हेल्थ के उसने वो मीटिंग अटेंड की सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ। एंड ही वॉज वेरी बोल्ड। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उसको करवट करे और आमीन जन्नत नसीब करे। हमारी दुआएं उसके साथ आमीन हो, अल्लाह हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम आमीन सीधे रास्ते पे चलाते हुए, सिराते मुस्तकीम पे चलाते हुए अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ कर दे। आमीन 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 तुम आमीन। अंबर आप मजाक पे। में दुआ नहीं किया मुबशर? मेरा तो कांटेक्ट वही है कि 5 इयर्स हम लोग भी क्लास फेलो रहे, लेकिन फैसल मेरे मेरे बैच फेलो नहीं थे। मेरा फैसल से कांटेक्ट लास्ट मंथ हुआ, फ़रवरी में, व्हेन ही केम टू यूके। और आई एम जस्ट थैंकफुल टू नाजिया ने मुझे कांटेक्ट किया था टाइम पे, इन्फॉर्म्ड मी अबाउट हिम। नईम ने कांटेक्ट किया था नाजिया, तो फिर आई कॉन्टेक्टेड हिम। मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी फैसल के, बताया ना, मुझे पता चला था डिजीज़ का कि बहुत अग्रेसिव डिजीज़ है, एंड आई जस्ट फेल्ट, दिल बिल्कुल एकदम मेरा डूब गया था, क्योंकि अपने अपने एज फेलो, अपने क्लास फेलो का इस तरह सुन के बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरी जब बात हुई फैसल से, तो जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया ना, आई एम जस्ट शेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई फेल्ट इट, आई डिडंट से एनीथिंग टू एनीबडी, कि ही वाज सो ब्रेव, इतना ब्रेव, इतना उसने मुझसे आराम से बात की। बिल्कुल वो ये नहीं कि वो कोई डिसअपॉइंटेड था, डिसहार्टन था। मेरा उससे कोई 4-5 दफ़ा कांटेक्ट हुआ फरवरी में। फिर और फिर जब मैं लाहौर जा रही थी, तो
फिर मेरी हीथरो पे भी उससे बात हुई है. मैं टोल्ड हिम कि आई एम फ्लाइंग टू लाहौर. मेरा बस यही था, मुझे थोड़ा सा जाहिर डर लग रहा था कि फैसल को कुछ यूके में ना हो जाए, तो मैंने बल्कि कहा भी, मैंने बड़े आराम से मैंने कहा कि फैसल आप मेरे ख्याल पाकिस्तान चले जाओ वापस, क्योंकि कुछ इतना मैनेजमेंट तो हो नहीं रही थी, ट्रीटमेंट तो नहीं थी यूके में. एंड ही वाज सो ब्रेव कि मुझे खुद कह रहा है कि जो प्रोग्नोसिस है उसके ट्यूमर का वो इतना अच्छा नहीं है. वेरी इम्प्रेसिव, मुझे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी. बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला बंदा. और फिर पाकिस्तान, आई थिंक ही वेंट बैक टू पाकिस्तान अर्ली मार्च. और मुझे मेरी फिर बात हुई है जब मैं यूके वापस आ गई थी, बिकॉज आई केम बैक ऑन 1st of March. तो फिर मुझे फैसल ने कहा कि अम्बर आप चक्कर लगाएं हमारे घर. और मैं हैरान ही हुई हूँ कि इतना बीमार है वो, उसको ही वॉज गेटिंग ब्रेथलेस टॉकिंग ऑन द फोन एंड ही इज इनवाइटिंग. तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा फैसल मैं तो अब वापस आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आऊँगी तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगी. तो बस मेरी तो यही मेमोरी है. एंड मैं बस बहुत इम्प्रेस हुई थी इससे कि बहुत बहुत हिम्मत वाला है. अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसके दर्जा बुलंद करे. कि बाकी जितनी भी मंजिलें हैं सारी आसान हो उसके लिए. मैं एक दुआ पढ़ लूं इस जगह पे जो कि सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे. मैं एक दुआ पढ़ना चाहूंगी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा ग़फिर लहू वरफा दरजातहु फिल महदियन वख्लुफहु फि अक़बिही फिल ग़ाबिरीन वग़फिर लना وله يا رب العالمين وف سهله في قبره ونور له فيه. اے اللہ اسے معاف فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما, اور تو اس کا خلیفہ بن جا اس کی اولاد میں پیچھے رہنے والوں میں. یا رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے, اور اس کی قبر میں اس کے لیے کشادگی فرما, اور اس میں اس کے لیے روشنی فرما. آمین. और कोई शेयर करना चाहे? मुबशर रजाक ने ज्वाइन नहीं किया. रजाक हैं, रजाक सेंटर में, वो वेट कर रहे हैं कि जब पहले एक्सप्रेस कर लें फिर उसके बाद दुआ. ओके. फैसल के फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ हैं? या इस तरह सुहेल ने भी शेयर किया. हाँ, आई थिंक आमिर थे, तो फिर बाकी आई थिंक मतीन आप ज्यादा फ्रेंड हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सच्ची बात है, फैसल की जिस तरह डेथ हुई है और जितनी अचानक वो गया, तो दिल अभी तक एक सदमे में है. फैसल मेरा साइड रूम भी था, और फैसल सहेल का एक कपल हमारे हॉस्टल 4 नंबर हॉस्टल में हम रहे हैं. तो एक बड़ा प्यारा कपल था और हमेशा हेल्पिंग हैंड रहा है शुरू से ही. तो हमारी हल्की फुल्की नोक चोंक भी रहती थी पढ़ाई में. अक्सर हम फैसल से और सहेल से गाइडलाइन भी लेते थे, एक दूसरे की हेल्प लेते थे. और मुझे आखिरी दिनों में याद है कि मैंने एक मेरे जाने वाले से, तो मैंने फैसल से बात की भी, इस तरह एक इशू है यहाँ अर्थों का. तो उसने फैसल ने कहा कि आप फौरन भेज दें. और जब मैंने पेशेंट को भेजा तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि आउटर द वे जाके हेल्प की. तो ये बड़े कम बंदों में होता है कि इस लेवल पे पहुंच के, प्रोफेसर लेवल के पे पहुंच के, फिर अपने कुलीग्स को इस तरह ओब्लाइज करना, अपने क्लास फेलोज का ख्याल रखना. तो वाकई हमारे सब का एक बहुत बड़ा नुकसान है. अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह था पर मैं मुझे तो फैमिली है. आमीन. फैमिली में अभी इस तरह के डेफिनेटली बच्चे फैसल के छोटे होंगे, तो अगर जो प्रोफेसर नसरीन साहब हैं बाकी देख लें, अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो तो हम हाजिर हैं उन बच्चों के लिए, तो फैमिली के लिए. बस यही है कि अल्लाह ताला की अगली मंजिलें आसान फरमाए. आमीन.
आई थिंक मैं भी फैसल को एज अ क्लास फेलो जानता था, लेकिन जब भी मुलाकात होती थी उसके पास हमेशा स्माइल होती थी और हमेशा हेल्पिंग क्लास फेलो था, बहुत ही फोकस था। मेरी उससे जितनी भी बात होती थी आप यू नो ज्यादातर स्टडीज पे ही बात होती थी, लेकिन हमेशा मैंने यही लगा था कि वो हमेशा बात सुनता था और आपसे बड़ा पोलाइट ही रहता था। और वही उसको अभी भी आप लोग और सरफराज का मैं मेरे दोस्त हैं, तो अभी उसने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प मांगी थी उससे ऑर्थोपेडिक, और वो बहुत इम्प्रेस हुआ था जिस तरह उनने उसकी अम्मी का ख्याल किया ऑफिस में लेके जाके और पूरा ख्याल रखा, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ था और उसने शेयर भी की। तो अल्लाह उसको ये अच्छे इसका रिवॉर्ड दे और अल्लाह जन्नत में जगह दे। हम लोग तो ये आई थिंक जिस तरह सब क्लास फेलोज ने मिलकर कुरान मेरी खत्म किया दो आई थिंक दो बार हो गया या तीन बार हो गया पांच दफा एक हारून ने फिनिश किया है पूरा कुरान और एक असगर ने और एक मेरा ख्याल है मकसूद ने भी अपनी डिस्पेंसरी में करवाया है और बाकी तीन हमारी क्लास ने टोटल जो किए हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और इस मौके पे मैं बाकी जो लोग हमसे रुखसत हो चुके उनको भी याद करना चाहूंगा, जैसे अफशा थी, इब्रार थे और फिर बाकी आई थिंक एहसन रुबीना थी एहसन थे, एजाज जवाद तारिक मियां वाली के थे, तारिक अब्दुल्ला शाह। हाँ तो हम सबके लिए दुआ करेंगे और आई थिंक हमें बस यही है कि सबके मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर कोई जानते हो किसी की, अगर किसी इस सारी फैमिलीज में अगर किसी की हेल्प चाहिए, किसी को कोई चाहिए हो, आई एम श्योर इब्रार और वो सब लोग जो जा चुके हैं और जिनको भी चाहिए हो, तो हमें रियली हेल्प करने चाहिए सब एज अ क्लास फेलोज। तो मैं यही कहूँगा कि जब हम लोग गेट टुगेदर करते हैं मे बी एक 5 मिनट के लिए उनको वो याद कर लें और उनकी अगर कोई फैमिली को हेल्प चाहिए तो करते हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात हो। बशर कैन आई से समथिंग? बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ ये कहना था कि सिर्फ बोलिए अंबर बोलिए कि सिर्फ अभी नहीं आज की बात नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जो सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट किसी को एक हम दे सकते हैं ना किसी मुसलमान को, खास तौर पे जो चले जाते हैं यहाँ से, उनके लिए दुआ है। और दुआ अगर हम इन सब जो हमारे सारे क्लास वाले चले गए, हमारे सारे अपने फ्रेंड्स चले गए हैं, जो जिस तरह हम अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उनके लिए दुआ हमें मेरा ख्याल हर नमाज में करनी चाहिए और हमेशा करनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि अभी इकट्ठे हुए, क्योंकि दुआ के बारे में है कि जब एक मुसलमान दुआ करता है ना तो किसी और अपने मुसलमान बहन भाई के लिए, तो अल्लाह ताला उसके एक फरिश्ता भेज देते हैं और वो फरिश्ता उसके लिए वही चीज़ मांगता है जो वो अपने भाई के लिए मांग रहा होता है। तो दुआ हमें कंटिन्यूस करनी चाहिए और हर नमाज में जितने क्लास फेलोज हमारे चले गए हैं, जितने फ्रेंड्स चले गए हैं, मेरा ख्याल है हमें ये एक ऑन गोइंग सिलसिला चलते रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट गिफ्ट। और जब मुसलमान जो चले जाते हैं उनको जब दुआ उनके लिए की जाती है तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं और फिर उनको अल्लाह ताला बताता है कि फलाने ने तुम्हारे लिए दुआ की थी उसकी वजह से तुम्हारा दर्जा बुलंद हुआ। तो आई थिंक दुआ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जजाक। और कोई अगर कुछ कहना चाहे? मुबशर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हां जी बोलिए बोलिए। जी मेरा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फैसल के साथ। कभी भी मैंने उसको फोन किया हो तो मुझे कभी उसने दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे था तो मेरी फैमिली सारी पाकिस्तान में है तो किसी ना किसी को जरूरत पड़ती रहती थी, वो खुद घर पूछ लेता होता था कि किसी को कुछ चाहिए तो बता दे, मेरे बहन भाइयों से वैसे पूछ लेता था, मेरी अम्मी को जानता था। तो मेरे भांजे का वो सेरेब्रल पाल्सी थी, उसको टेंडन लेंथन की जरूरत थी, तो उसने कहा भेज दो कोई मसला ही नहीं है, किसी वक्त भी भेज दो। मैंने कहा मुझे कोई टाइम दे दो, कहता टाइम लेने की जरूरत नहीं है उसको भेज दो मैं एडजस्ट कर दूंगा। सो ही वाज सच ए नाइस मैन रियली। और वैसे भी उसके साथ हम हॉस्टल में जितना अरसा भी रहे हैं
कभी कोई ऐसी कोई बात सुनने देखने में नहीं आई हो कि हम कह सकें कि he was always really at the top of characters really. We miss him now. I knew that he had this disease about really. I knew it about a year ago. My nephew was his student in services. So he told me that he is off sick with the stomach problem, and he gave me a hint that what would it be. So since then, I was worried about him. It was really very shocking to hear all that. But ये अल्लाह ताला का निजाम है. हमने सब ने एक दिन चले जाना है जिंदगी से. दुनिया की कामयाबी हम हर कोई अटेन कर सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रियली आखिरत की जिंदगी को बेहतर करने का कोई वसीला बनाए, हमें कुछ इस तरह की जिंदगी हम गुजार सकें कि हमारी आखिरत वाली जिंदगी बेहतर हो जाए, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे रिश्तेदार और बहन भाइयों दोस्तों अहबाब की सबकी. ये बड़ी आसी जिंदगी है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये हमारे सामने हो रहा है. बिल्कुल. तो अभी कोई और कहना चाहे फिर दुआ करते हैं, क्योंकि हम वी आर रीचिंग एंड ऑफ द टाइम. आई थिंक हुमैरा वांट्स टू से समथिंग. हुमैरा बोलिए. बशर, I just wanted to say to all my classmates के, you know, जब आप दूर थे हैं, कई दफा जरूरत पड़ती है. मैंने फैसल से तो नहीं कोई है, लेकिन बाकी क्लास फेलोज जो पाकिस्तान में हैं, जरूरत पड़े sort of an extent. And it really hit me hard hearing about फैसल. It had that, and just together or doing this dua or group milkar parna, I think took me back to Imran in terms of and I feel supported. Ke aap sab logon ke saath share ki hai. Faisal family, unko guidance ki zarurat hai. Alhamdulillah, hum सब अपनी जिंदगी एक पर हमें ये चाहिए कि दुआ और बाकी करते ही हैं और कुरान शरीफ में कर सकते हैं जो उसके कभी दोस्त हैं जैसे मतीन हैं और हम सब के क्या चेक करते हैं एवरी मंथ और सो उसके बच्चों को क्या उनको गाइडेंस की जरूरत है कोई बांधने की जरूरत है अभी नहीं लेकिन मेरा ये पर्सनली ख्याल क्या हम एज अ कंटिन्यूम सॉरी नहीं नहीं बोलिए बस ये चाहती जो उसके दोस्त हैं वो उसकी कांटेक्ट में रहें और हम एक सॉर्ट ऑफ एपिक्स तरह बच्चों का ख्याल रखें और उनका पूछते रहें इवन इफ नथिंग एल्स गाइडेंस थ्रू देयर आई थिंक आई लाइक टू गेट इन हां नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह किसी और ने कहना है जल्दी कह दें क्योंकि हम लास्ट 5 मिनट में हैं तो या रजाक साहब आप शुरू कर दें या साजिद मंजर ऐसा ही है मुबशर के हुमैरा इज वेरी राइट ख्याल तो हमें रखना चाहिए लेकिन साजिद आपने हाथ खड़ा किया फिर वो एक भूली यू आर म्यूट यू आर म्यूट साजिद यू आर म्यूट सॉरी अस्सलाम वालेकुम फैसल से मेरी लैक फर्स्ट ईयर से है हम हॉस्टल में भी इकट्ठे रहते थे एक दो दफा हम नॉर्दर्न आयरलैंड में इकट्ठे गए थे फिर छोटी बहुत लैक्स लैक होती रही थी जैसे सबको पता है कभी भी उसे बात करो ना ही ऑलवेज हैज बीन प्रेजेंट एंड हेल्पफुल जितनी भी आप उसका ह्यूमन लेवल पे आप आना उसकी तारीफ करें उतनी कम है आई नेवर फाउंड के वो कभी भी है ना वो कहते हैं उखड़ा हुआ हो या दूसरे का बस अल्लाह अपने नेक बंदों को जल्दी बुला लेता है अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करें और
सब आसानी करे, आखिर का भी और कब्र का भी सफर आसान फरमाए। बस दुआई है क्योंकि बच्चे हम दो चार दिन उसके दुआ करेंगे, ये भी लेकिन इम्पोर्टेंट बात है जैसे हमारा कह रही थी ना कि उसके बच्चों को वी नीड टू हैव बी इन टच। उसका छोटा भाई भी फौत हो गया था तो आई एम नॉट श्योर व्हाट विल बी सिचुएशन। आजकल चीजें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इट विल बी हार्ड, मतलब साल दो साल बाद पता करेंगे, देन वी विल नो दैट क्या सिचुएशन उनकी। जाकला नहीं, थैंक यू साजिद, आपने शेयर किया बिल्कुल सही। आपने कहा अभी तो हम लोग सहर हैं और ख्याल कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ देर बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फैमिली से एटलीस्ट इन टच तो रहें, कुछ पता तो करें कि कुछ चाहिए कुछ, यू नो आई थिंक ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सब क्लास फेलोज का ख्याल रखें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोई और कहना चाहे, कोई और? मुबशर मैं बात करना चाहूंगी, दो मिनट। बिल्कुल यही है कि बहुत ही सैड और बहुत ही डिफिकल्ट न्यूज़ थी टू हैंडल, और डेफिनेटली अपना एक ट्रांसफर उसके साथ एक रबता होता है, एक वक्त गुजरा होता है और एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आपने बड़ा कंफर्टेबल और अच्छे, और वो बचपन का टाइम होता है हम लोगों का, तो दैट वाज सैड वेरी वेरी, और स्पेशली फरहाना भाभी के साथ। खासतौर पर मैं इस बात का एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि हम सब आपके गम में शरीक हैं, वी ऑल आर देयर फॉर यू, और आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए भी सब आसानियां रहे जिंदगी में, और आप अपने बच्चों की खुशियां देखें, और जो आपको इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा लॉस है, अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से आपके लिए जो है आसान रास्ते रहे दुनिया में भी, और आपकी जो आपके हस्बैंड जो है, जो हमारे क्लास फेलो है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत और बख्शिश फरमाए, और हर तरह की आसानी और हर तरह के उनके लिए खैर आगे हो, और उनका बेहतरीन जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मकाम अता फरमाए। और यही दुआएं हैं, और अल्लाह ताला ये है कि जाहिर दुनिया फानी है और एंड हुई है, तो और बाकी है कि फैमिली के लिए जाहिर मुश्किल है। बस बहुत दुआएं आपके लिए, और फराना भाभी बस आप बिल्कुल आप हमारे जेनों में, हमारी थॉट्स में और दुआओं में, जिस तरह हम रब्बे जलनी पढ़ते हैं तो उसमें वही है ना कि तमाम मोमिनीन मर्दों और औरतों के लिए भी हर मुसलमान दुआ करता है, तो बेसिकली प्रिटी मच हर नमाज में ही हर इंसान जो है, हर मुसलमान जो है, वो हम ये दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हमारी फैमिली पर और आपके लिए भी बहुत, अल्लाह ताला अब आगे आसानियां करे और कंपनसेशन करे आपकी खैर के साथ, आपकी औलाद की तरफ से अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दिखाए, और बच्चों को कामयाब करे, और बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला उनके लिए अपनी खास शफकत और करम करे। चले रजाक, आमीन आमीन। रजाक आप प्लीज जल्दी से कर ले, लास्ट दो मिनट रह गए, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सॉरी, बट रजाक आपका क्या, आपने ये मौका फराम किया तो एक दुरूद पढ़ लें। हमारे जो दोस्तों ने जो कुछ कलाम पाक पढ़ी, जिक्र अज़कार की, नवाफिल की, जाला उनको अपने बरगाह अक़दस में कबूल फरमा, और उनका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीन मसीह को पूजा के तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, अहले बैत, शुदाए करबला को पूजा, या अल्लाह उनके सदके, या अल्लाह हमारे प्यारे दोस्त फैसल मुश्ताक और उनके जो भाई फोत हुई हैं उनके रूह को पहुँचा, अल्लाह ताला उनके खानदान को, उनके बेवा को, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनकी बरह रास्त कफालत फरमा, या अल्लाह आइंदा उनके खानदान में और हमारे फैमिलीज में किसी किस्म की जो हादसात हैं, इस तरह के अचानक बातें उनसे बचा, अल्लाह ताला फैसल भाई की जो सयात हैं, जो गुनाह उनसे खुदा ना खास्ता हुई हैं, या अल्लाह अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ फरमा, अल्लाह ताला आपके प्यारे नबी का फरमान है के दो जो इल्म है वो जायज हैं, एक इल्मुल अदियान दीन का इल्म, और दूसरा इल्मुल अब्दान जो बदन का इल्म है। अल्लाह ताला हमने बदन का इल्म सीखा है और तुम आपकी मखलूक की खिदमत के लिए, या अल्लाह हम
اس یہ علم حاصل کیا اور اس کو استعمال کریں انشاءاللہ, اس کے صدقے انشاءاللہ فیصل بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. انشاءاللہ شعبان مبارک مہینے میں فیصل بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, شعبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, رمضان المبارک اللہ تعالیٰ آپ کا مہینہ ہے, تو اس کے صدقے انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. جس طرح ہماری کلاس نے اس اکٹھا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا رکھنا, اور فیصل بھائی کے لیے اور باقی